रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद से शनिवार को राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम ने मुलाकात की। तीनों ने लालू यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि मुलाकात करने पहुंचे अंबिका चौधरी ने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत काम से रांची आया था, साथ ही लालू यादव से मुलाकात कर मैंने उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उनकी तबीयत ठीक है और मैं उनको नए वर्ष की शुभकामना देने का मुझे अवसर हुआ। मैं एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपने हमारे बहुत प्रिय संबंधी हैं राजदेव जी, उनके यहाँ आया था और आज नए साल में लालू जी को मैंने अपनी शुभकामना दी है। वहीं प्रेमचंद गुप्ता और अफजल इमाम दोपहर 12 बजे से ही पेइंग वार्ड के बाहर लालू यादव से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। लगभग 3-3.25 घंटों की देरी के बाद करीब 3:30 बजे दोनों को लालू से मुलाकात हो पाई। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रिम्स में भर्ती लालू यादव से मुलाकात करने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ है। चाहे बिहार हो या झारखंड, सभी नेता लालू से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि 2020 में होने जा रहे बिहार विधानसभा के लिए सभी नेता लालू यादव से मुलाकात कर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।